हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फूड अवेकनिंग एंड जेली गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, 11/11 पोर्टल एनर्जी जो आने वाली है और इसके बाद जो हमारा एनर्जी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। तो ये 11/11 जो कि स्पिरिचुअल नंबर है, मास्टर नंबर है, ट्विन फ्लेम का नंबर है, तो एंजेलिक नंबर है। तो ये 11/11 जो है, इसका मीनिंग जो होता है वो न्यू बिगनिंग, और सबके लिए अलग अलग होता है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का ये नंबर जो है, और मेरे लिए ये जब भी मुझे 11/11 दिखता है तो मेरे लिए एक नई ग्रोथ या ग्रोथ लेवल मेरा बढ़ जाता है किसी भी चीज़ में। तो सभी के लिए अलग अलग है। तो इसकी जो एनर्जी इस बार जो निकल के आ रही है, 11/11 पोर्टल 2020 की जो एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि चार गुनी बढ़ जाती है। वन की जो एनर्जी है, यानी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी है, वो चार गुनी बढ़ जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम बाद में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बना दूंगी कि 11/11 पोर्टल है क्या। लेकिन अभी की जो एनर्जी है, जो कलेक्टिव एनर्जी है, जो चेंजेस आने वाले हैं इस एनर्जी के आने के बाद, तो वो चेंजेस जो है वो मैंने जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। और इसके जो चेंजेस है जो कि मुझे साइन दो दिन से दिख रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो आप सुनिए। तो सबसे पहले जो एनर्जी है कुछ ट्विन फ्लेम के लिए, जो कि कुछ ट्विन फ्लेम जो होंगे वो जिनके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं लव लाइफ को लेकर के, तो हो सकता है कि उनके जीवन में फिर से एक बार प्यार की शुरुआत होगी, कोई नया व्यक्ति आएगा, उनकी लव लाइफ फिर से शुरू होगी, या फिर उनका जो खोया हुआ प्यार है उनको फिर से मिल सकता है, या जो सिंगल हैं उनके जीवन में न्यू लव वन की एंट्री हो सकती है, तो उनके जीवन में प्यार बना रह सकता है। नए पोर्टल जो खुलेंगे उसके एनर्जी में कुछ ट्विन के जीवन में ऐसा हो सकता है, या कुछ लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है। सेकंड जो है फ्रेंड्स, 11/11 पोर्टल है इसलिए मैं 11 एनर्जी में की भी बात करूँगी, 11 तरह की एनर्जी जो कि मुझे फील हो रही है। तो ये सेकंड जो एनर्जी है वो मैरिज की एनर्जी है। तो कुछ ट्विन की जो है वो मैरिज प्रपोजल आ सकता है सिंगल्स के लिए, ये मैरिज हो सकती है, या कोई मैरिज अटेंड करने की संभावना बढ़ सकती है इस एनर्जी के बाद। तो ये 11/11 पोर्टल खुलने के बाद जो है कुछ लोग मैरिज अटेंड करेंगे, या कुछ खास गिने चुने लोग होंगे उनका मनचाहा विवाह हो सकता है, या उनकी रीयूनियन नियर है, रीयूनियन भी है, आज भी रीयूनियन मैंने बटरफ्लाई का होते हुए देखा, पिजन का देखा, तो इस तरह से मुझे साइन मिल रहे हैं कि रीयूनियन भी जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो मैरिज का पोर्टल भी खुल रहा है कुछ लोगों के लिए। थर्ड है फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पॉजिटिव हो, तो कुछ निगेटिव चीज़ें भी आती हैं किसी के जीवन में, सभी के जीवन में बहुत अच्छा अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्टिंग है और हर का जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो है ग्रह नक्षत्र दशा नाम बर्थ डेट सब अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए जो है हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा झटका नुकसान सहना पड़ सकता है, कोई बड़ा झटका लग सकता है, खुद को किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की हेल्थ इशू जो लंबे समय से चली आ रही है, तो उससे रिलीफ मिलने की भी संभावना है। कुछ उनकी जो इशू है हेल्थ को लेकर के, वो हील होने की संभावना भी है। तो ये जो 11/11 पोर्टल है वो सेल्फ रियलाइजेशन का पोर्टल होता है, ये हीलिंग का पोर्टल होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को बढ़ाने का पोर्टल होता है, न्यू बिगनिंग का पोर्टल होता है, ग्रोथ का पोर्टल होता है। लेकिन अभी जो जो ग्रह दशा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी जो है सभी लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है उनकी हॉरोस्कोप की वजह से। तो चौथी जो एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, वो है ट्विन फ्लेम के लिए इन यांग बैलेंस की एनर्जी, यानी कि उनकी जो इन यांग यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस होगी कुछ ट्विन की। तो इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन के बैलेंस होने की वजह से रीयूनियन भी नज़दीक हो सकती है। बैकग्राउंड नॉइज के लिए फ्रेंड्स सॉरी, लेकिन यह एक साइन है कि अगर बाहर से कोई आवाज़ आई तो रीयूनियन एक नियर हो सकती है। कुछ ट्विन जो होंगे फ्रेंड्स, जो कि पांचवी एनर्जी है, वो
अपने भीतर जाने की कोशिश करेंगे, ट्विन जो होंगे वो सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो हो सकता है कि अपने भीतर जाएंगे, वो अपने जो इंट्यूशन है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनकी इंट्यूशन पावर लेवल काफ़ी हाई हो जाएगी, वो मेडिटेशन करेंगे, वो इनर वर्क करेंगे। तो मेडिटेशन और इनर वर्क तो हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन कुछ जो होंगे वो उनका लेवल जो होगा बहुत हाई हो जाएगा, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ की जो एनर्जी है फ्रेंड, जो नेक्स्ट है जो एनर्जी है, कुछ ट्विन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, जो नए नए जो इस जर्नी में आए हैं बबल फेज़ में हैं, तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। और जो अवेकन हो चुके हैं उन्हें उनका सोल पर्पस मिलेगा, यानी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका मिलेगा, उन्हें एक नया सोल पर्पस मिलेगा। हो सकता है कि वो न्यू जॉब, न्यू करियर की ऑफ़र आए, उनकी नई शुरुआत हो जाए, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है उन्हें। कुछ ट्विन के जो रिलेशनशिप में जो है फ्रेंड्स, कंफ्यूजन क्लियर होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी ये दौर चल रहा है। तो 11/11 पोर्टल तो न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो गई, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदलाव आ रहा है हमारे जीवन में। तो एक कंफ्यूजन क्लियर होगा उनकी, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में है या नहीं है, उनको एक पता चलेगा। और जब उन्हें पता चलेगा तो वो साइलेंस में जाएंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, और ऑनेस्टी के साथ वो अपना इनर वर्क करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर बाद में पता चलेगा कि इनर वर्क के अलावा उन्हें कुछ भी उनके मन को शांति नहीं दे सकती है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न जो होगा वो क्लियर होगा कुछ लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट है जो फ्रेंड्स की, कुछ लोगों के जीवन में जो है वो पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होते नज़र आ रहा है। उनकी जो जीवन में अब तक जो उनका डार्क बना हुआ था, वो अपना जीवन उनको लग रहा था कि ख़त्म हो चुका है, वो जीरो पर आ चुके हैं, तो उनके जीवन में वो बदलाव नज़र आता दिख रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज होता दिख रहा है, और एक नए साइकिल की शुरुआत होती दिख रही है, एक नई साइकिल की स्टार्ट होगी और वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए जो है वो ट्रैवल भी निकल के आ रहा है, यानी कि वो लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग जो होंगे वो ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, फैमिली ट्रिप हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई मैरिज अटेंड कर सकते हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड भी वो नई जगह चेंज हो सकती है, न्यू जॉब मिल सकती है, जॉब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर अपना होम भी चेंज कर सकते हैं, अपना जहाँ पे रह रहे हैं वो घर चेंज भी किए जा सकती है, उसकी भी होने की संभावना है इस एनर्जी पोर्टल खुलने के बाद। जो 10th एनर्जी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, वो है कि कुछ ट्विन जो होंगे या कुछ लोग जो होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन की जर्नी में है, वो अपने पार्टनर को फॉरगिव करते हुए अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, यानी कि वो उसको अपने पार्टनर को पूरी तरह से माफ़ कर देंगे, और धीरे धीरे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में वो चले जाएंगे। और जो 11th पोर्टल, इस पोर्टल की जो एनर्जी है 11th एनर्जी, वो है फ्रेंड्स, वो है मैनिफेस्टेशन और इंट्यूशन पावर बढ़ने का, यानी जो भी जिन लोगों ने विश मांगा है, जिन्होंने अच्छा इनर वर्क करा है, उनकी पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, उनकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी, उनकी जो भी विशेज है वो पूरी होने की मतलब दिशा में बढ़ चुकी है, उनकी पूरी हो भी जाएगी, जितनी भी उनकी जो विशेज है वो सारी पूरी हो जाएगी 11/11 पोर्टल के बाद। तो ये फ्रेंड जो है एनर्जी है 11/11 पोर्टल की, तो जो कि निकल के आ रही है, जो कि हमारे लाइफ में एक चेंजेस लेके आ रहा है, जो बस एक ही गाइडेंस है फ्रेंड्स कि कंटिन्यू अपना इनर वर्क करते रहें। जैसे इंसान के लिए जो है 3 वक्त का भोजन बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छे हेल्थ के लिए, उसी तरह से इनर वर्क भी फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे सोल ग्रोथ के लिए, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ताकि हम एक अच्छा
जो है जीवन जी सके, अपने करियर में ग्रोथ कर सके, अपने जर्नी पे आगे बढ़ सके। और कई लोग जो होते हैं वो इनर वर्क पर ध्यान नहीं देते, इनर वर्क की वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, क्यों, उन्हें लगता है कि वो कंप्लीट है। लेकिन नहीं, जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते, आप रियूनियन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकते, आप इंट्यूशन पावर नहीं बढ़ा सकते। तो अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करिए फ्रेंड्स, और रेगुलर इनर वर्क करिए। जैसा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये गाइडेंस तो प्लीज़ इसको फॉलो करें फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो ये जो थी एनर्जी थी, और आगे की जो भी एनर्जी जो निकल के आएगी तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी कि 11/11 जो है वो पोर्टल है क्या, या इससे क्या लाभ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें इनर वर्क करना चाहिए। तो इसकी गाइडेंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो अपनी जो भी आपका जो फीडबैक है वो आप अपने मुझे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी और भी बहुत सारी जानकारी की वीडियो लेकर के आऊँ, आपके लिए एक नई गाइडेंस लेकर के आऊँ। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही अब तक के लिए। तो आप अपने मेरे चैनल पर बने रहें, आपके लिए जीवन में एक बदलाव हुआ है।